तू खूब शादियों में कूटों पे और प्रत्याशी और नेतृत्व तो सब एक के हो गया यमुना जल का कि जब भी मैं हाथों में पानी लेता हूँ यमुना का तो पानी से ज्यादा कीड़े और इस तरीके की स्थितियाँ नजर आती हैं। कहा जाता है कि दिल्ली तक जाने का रास्ता मथुरा से होकर गुजरता है। सियासत और इबादत की नगरी धर्मनगरी मथुरा, धर्मस्थली मथुरा बेहद अहम मानी जाती है चुनावी सरगर्मियों के दौरान। वैसे तो साल भर इसमें तमाम दावे और वादों के साथ में तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन चुनावी माहौल जब सरगर्मी के साथ उठ जाता है तो उसके बाद में मथुरा एक अहम स्थान बन जाती है। राजनीति से जुड़े पहलुओं को यदि देखा जाए तो मथुरा लगातार छली जा रही है। मथुरा का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा यहाँ की सड़कें और आवास के साथ यमुना शुद्धिकरण का भी है। यहाँ के जो निवासी हैं, जो यमुना भक्त बने हुए हैं, उनका कहना है कि यमुना तो अपने आप को शुद्ध कर लेती है, लेकिन यमुना का जल जो समय समय पर सफाई न होने के कारण से और गंदे नालों का लगातार यमुना में गिरने कारण से जो यमुना के जल की वर्तमान स्थिति है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक बनती चली जा रही है। समय समय पर तमाम धर्मानुयायी और यमुना भक्त, यमुना पुत्र इसको लेकर के आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन यमुना की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। हालांकि जब भी चुनावी सरगर्मियां बनती हैं, चुनावी माहौल बनता है और चुनाव का समय आता है तो तमाम राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग जो मथुरा की सरजमी से अपनी राजनीतिक सफ़र का शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक दलों के द्वारा जिन्हें अपना प्रत्याशी बनाया जाता है वो यमुना के पास पहुंचकर उनका आशीर्वाद लेकर यमुना का पूजन करने के साथ ही अपने चुनावी प्रचार का बिगुल बजाते हैं। लेकिन अभी तक यमुना की स्थिति जस की तस बनी हुई है। तमाम दावे किए जाते हैं कि यमुना में जो नाले गिर रहे हैं उनको टेप किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। नगर पालिका से नगर निगम तक का सफ़र तय करने के बाद जो भी मथुरा वृंदावन नगर निगम भी अपनी उस कथनी को पूरी तरह से अमली जामा नहीं पहना पाया है। मथुरा में वर्षों से यमुना जल की शुद्धि का मुद्दा उठता रहा है। समय समय पर यमुना भक्तों के द्वारा यमुना जल की शुद्धि की अलग जगाते हुए आंदोलन भी किए गए, लेकिन उन आंदोलनों का सार्थक असर नजर नहीं आ सका। हथनी कुंड के बाद मथुरा की ओर आते आते यमुना के जल की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। आज आलम यह है कि यमुना जल आचमन योग्य भी नहीं है। जब भी चुनावी बिगुल बजता है तो मथुरा की सरजमी पर सियासत ज़दा लोग जब भी आते हैं तो यमुना के जल की शुद्धिकरण का प्रमुख मुद्दा भी उठाते हैं और तमाम दावे भी किए जाते हैं कि यमुना के जल की शुद्धि अब अवश्य होगी। अब आपको मैं दिखाता हूं कि ये यमुना की वर्तमान स्थिति है। कभी यहां के लोग जब भी सुबह की शुरुआत करते थे तो यमुना का आचमन, पूजन और इस यमुना के जल का पान करने के साथ में किया करते थे, लेकिन आज स्थिति इस कदर हो चुकी है कि जब भी मैं हाथों में पानी लेता हूँ यमुना का तो पानी से ज़्यादा कीड़े और इस तरीके की स्थितियाँ नज़र आती हैं। ऐसे में कैसे यहाँ पर यमुना भक्त इस यमुना के जल का पान कर सकते हैं? बहुत कुछ उम्मीदें जताई जाती हैं कि जब अब की बार सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर मथुरा की एक बेहतर स्थिति के साथ यमुना भी, जन जन की आराध्य यमुना भी शुद्धि के नए और कल कल बहते वो पुरानी स्थिति में नज़र आएगी। जब कहा जाता था कि योगी राज भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अठखेलियाँ करते थे और उसके बाद में यमुना का वो कल कल कर बहता जल सभी को, मन को प्रफुल्लित करता था, हर्षित करता था, लेकिन आज वो बीते हुए दिनों की बात हो चुकी है। हर बार चुनावी बिगुल बजने के साथ ही मथुरा में जहां सड़क, बिजली, पानी और सफाई और बंदरों का मुद्दा खड़ा हो जाता है तो वहीं जन जन के आराध्य माँ यमुना के जल की शुद्धि का मुद्दा भी अहम रूप से चर्चा पकड़ लेता है। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपना अपना नामांकन जमा करने से पहले माँ यमुना से अपनी जीत का आशीर्वाद लेकर
उनका विधिवत पूजन भी करते हैं और इसके बाद यमुना भक्तों को अपनी आराध्य और पतित पावनी माँ यमुना के कल कल कर बहते जल की शुद्धि की आस भी जग जाती है। लेकिन समय बीतने के साथ ही यमुना मुद्दा केवल एक मुद्दा बनकर कागजों में रह जाता है, जिसके कारण शायद खुद ही माँ यमुना स्वयं को ठगा महसूस करती है। यहाँ आज तक 10 साल में हमारी सांसद प्रिय हेमा मालिनी जी ने, जो लोकप्रिय है जनता की, आज तक एक भी नाला बंद नहीं किया मथुरा शहर का। और प्रच्छत में देख लीजिए यहाँ श्री यमुना जी का क्या हाल है, क्या स्वरूप है। और संसार के अंदर सबसे बड़ा तीर्थ विश्राम घाट तीर्थ है, इसकी शोभा श्री यमुना जी की बनाई गई है, ये देख लीजिए आप प्रच्छत में देखिए। लाखों टूरिस्ट आ रहे हैं, लाखों टूरिस्ट आ रहे हैं। बार सभा में कहा था कि मैं अंतिम बार लड़ रही हूँ, आगे मथुरा से चुनाव नहीं लड़ूंगी, फिर कहाँ से टिकट मिल गई? माननीय मोदी जी ने यह कहा था, उन्हीं को टिकट मिल गई है, जो कुछ नहीं कर रहे। ये देखिए, मोदी ने भी कहा था, बोला भैया जाए बोलना। माननीय मोदी जी ने कहा था 60 दिन के अंदर में यहाँ के नाले बंद हो जाएंगे। ये देखिए नाला बह रहा है, ये नालों का हाल देखिए मोदी और योगी जी, ये यमुना जी का ये हाल है। आप देखिए अब की बार चुनाव में वोट लेना बहुत करना पड़ जाएगा, हमारी यमुना जी का ये हाल हुआ तो। अरे तू खूब शादियों में कूटों पे और प्रत्याशी और नेतृत्व तो सब एक के, ये नियो वाले को चाहिए। श्रीकांत शर्मा, हेमा मालिनी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो मथुरा की लॉबी है उनको खूब खूब धिक्कार है। और यमराज से ये मनाते हैं, यमुना जी का भाई है, इनका सत्यानाश हो जाए ऐसे अधिकारियों का, नाले बना दिया, अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे। देखिए बहुत ले लिया, अब ये क्या है, 10 साल से कहते हैं सरकार है। कह रही है 31 नाले टेप कर दिया, नाले बह रहे हैं। मोदी ने कहा था 60 दिन के अंदर नाले टेप हो जाएंगे। ये श्रद्धालु यहाँ पर पूजन कर रहे हैं, और वो बैरिकेडिंग जो लगी थी नाव वालों ने हटा दी। हमने ये गंदगी के लिए उस बैरिकेडिंग को निजी रूप से लगाया है, न नगर निगम में लगाया है, न किसी और ने लगाया है। यहाँ आप लोगों के द्वारा ये लगाई गई बैरिकेडिंग को नाव वालों ने तोड़ा है, जिससे दर्शनार्थी पूजा करने वालों को गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। आचमन भी नहीं कर पा रहे हैं लोग, ऐसी स्थिति इस ब्रिज में मुख्य तीर्थ विश्राम घाट की बना रखी है। न गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, न नगर निगम, न यहाँ के कार्यकर्ता। मथुरा में रहने वाले लोगों के लिए यमुना सिर्फ एक नदी ही नहीं है, यमुना उनकी सबसे बड़ी आराध्य है, यमुना उनकी आस्था का प्रमुख केंद्र है। कहा जाता है कि 16 कलावतारी योगी राज भगवान श्री कृष्ण की पटरानी भी यमुना है। ब्रजमंडल में दो ही ऐसी चीज़ें हैं जो माना जाता है कि कृष्ण की लीलाओं की साक्षी हैं, पहला गोवर्धन पर्वत और दूसरी माँ यमुना। जन जन की आराध्य माँ यमुना का कल कल बहता हुआ वो जल आज बीते हुए दिनों की बात हो चुकी है। सियासती लोग के लिए ये भले ही यमुना शुद्धिकरण एक महज मुद्दा हो, लेकिन यमुना यहाँ के निवासियों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। यमुना की शुद्धिकरण, यमुना के जल की शुद्धि के तमाम वादे और दावों के बावजूद भी यमुना भक्तों की आस अभी तक बनी हुई है। हालांकि हर बार चुनावों के बाद में यमुना के जल का शुद्धिकरण का मुद्दा उठता रहता है, और उसके बाद में यमुना भक्त और खुद यमुना मैया खुद को छला हुआ सा महसूस करती है, क्योंकि ये मुद्दा बरकरार बना हुआ है। अभी तक इस मुद्दे पर कोई भी ठोस कार्य संपादित नहीं किया जा सका है। यमुना मैया जो जन जन की आराध्य है, न केवल मथुरावासी बल्कि गुजरात सहित तमाम अन्य प्रांतों के निवासियों के लिए भी यमुना सिर्फ एक महज नदी नहीं, यमुना मैया है, जिसे वो पूजते हैं, जिसे वो पान करते हैं और जिसके दर्शनों के साथ ही अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। दिन का शुभारंभ भी जिनको माँ यमुना के दर्शन, पूजन और आचमन के साथ होता हो, वो आज अपनी माँ यमुना की वर्तमान स्थिति देखकर कितनी अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, ये उनके सिवा कोई और नहीं बता सकता था। अब एक बार फिर से लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। मथुरा में जहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार तीसरी बार सिनेतारिका हेमा मालिनी पर दाव खेला गया है, तो वहीं कांग्रेस के द्वारा बॉक्सर ओलंपियन चौधरी विजेंद्र सिंह को यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं
बसपा के द्वारा पूर्व में वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी के रूप में प्रसिद्धि पा चुके कमलकांत उपमन्यु को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अचानक एक बार फिर से पत्ता पलटते हुए अब सुरेश सिंह को यहां से लोकसभा क्षेत्र से बसपा के द्वारा अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। तीनों ही कद्दावर व्यक्ति माने जाते हैं और एक बार फिर से उम्मीद जताई जा रही है कि यमुना मैया का जल शुद्धिकरण का मुद्दा एक बार फिर से हावी होगा और दावे होंगे, वादे होंगे और फिर से एक बार उम्मीद जताई जाएगी। अब ये उम्मीद कितनी साबित होती है खरी, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल अब एक बार फिर से यमुना मैया का प्रसिद्ध विश्राम घाट चर्चाओं में आएगा, क्योंकि नामांकन का दौर अब शुरू हो रहा है और इस नामांकन को करने से पहले सभी प्रत्याशी यहां पर आएंगे और आकर के यमुना मैया का आशीर्वाद लेकर ही अपने चुनाव प्रचार का बिगुल फूकेंगे। नियो न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी साथी दीपक गुप्ता के साथ मोहित चतुर्वेदी।